विशव नाला पे आए हैं जो एग्जैक्टली खड़वनी से लेके निहामा तक है। ऑल दो इसको हम फ्रिजाइल एनवायरमेंट कहते हैं, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट किया गया, यहाँ के एनवायरमेंट को खत्म किया गया। और कभी कभी सोचता हूँ कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, इनको टर्म एनवायरमेंट समझ नहीं आता होगा, बायोडाइवर्सिटी का तो कंसेप्ट ही नहीं होगा, फ्रिजाइल एनवायरमेंट तो इनके पल्ले नहीं पड़ता होगा, ये चीज होती क्या है। आप देखिए हाई लेवल माइनिंग चल रही है, हाई लेवल इलीगल माइनिंग चल रही है, इवन जियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले सीधे रेवेन्यू लेते हैं लोगों से ताकि ये धंधा चलाने के लिए वो सीधे इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। मैंने हर एक डिपार्टमेंट को आरटीआई डाली, फिशरीज से लेके जियोलॉजी एंड माइनिंग तक, फ्लड प्रोटेक्शन तक, इरिगेशन और रेवेन्यू, ये देखिए हर एक आरटीआई इस फाइल में बनी है। फाइल का नाम ही है वैष्णव नाला आंदोलन। ये खड़वनी से लेके मैं निहामा तक रिक्वेस्ट करता हूँ ऑफिशियल से कि इस इलीगल माइनिंग को रोका जाए, ताकि अगर फ्लड कल आ जाएगा तो ये पूरा एरिया बह जाएगा आर्मनी तक। अगर आप देखेंगे ये होमशिली बुक एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें अनंतनाग भी आती है और कुलगाम भी आती है, इसको बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर आप देखेंगे डिवास्टेटेड फ्लड 2014 का, उसका इम्पैक्ट इलीगल माइनिंग से हुआ, लेकिन टस से मस एडमिनिस्ट्रेशन होती नहीं है। उसके बाद अभी रिसेंटली 2 दिन बारिश हुई, पूरे गांव वाले परेशान होने लगे, फ्लड का मौका था, फ्लड आने वाला था, डर गए। इवन एडमिनिस्ट्रेशन फिर फ्लड अफेक्टेड एरियाज के पास जाती है, उन लोगों को पीठ थमाने जाती है, लेकिन क्या काम, उसके बाद क्या, जब किसी का घर उजड़ेगा, फ्लड इम्पैक्ट करेगा, तो उसका पीठ थमाने से कोई काम नहीं होगा। वो अपनी ड्यूटीज नहीं निभाते हैं, कोई भी ऑफिसर अपने पे नहीं लेता है। मैं जियोलॉजी एंड माइनिंग के पास गया, मैं रेवेन्यू वालों के पास गया, कोई अपने ऊपर नहीं लेता है। इलीगल माइनिंग हो रही है तो हो रही है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा है नुसरत अजीज, बहुत अच्छी अनकरप्टेड ऑफिशियल है, बड़गाम में तहसीलदार है, हजारों कनाल लैंड उन्होंने छुड़वाया, रिट्रीव करवाया, लोगों को दिया, चाहे स्टेट लैंड हो या इलीगली ऑक्यूपाई किया हो। हम सब कश्मीरी उसको फेसबुक पे लाइक करते हैं, सल्यूट करते थे, बसंत रथ साहब को सल्यूट करते थे, लेकिन मुझे ये समझने नहीं आते जब एक औरत इलीगल एनक्रोचमेंट को डिमोलिश कर सकती है, उसको रिट्रीव कर सकती है, तो एक मर्द डीसी हमारे यहाँ मर्द है, यहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर्स मर्द है, जियोलॉजी एंड माइनिंग के ऑफिसर्स मर्द है, लेकिन वो काम क्यों नहीं करते। आप ये वैष्णव नाला की फाइल देख लीजिए, खड़वनी से लेके निहामा तक हाई लेवल इलीगल माइनिंग होती है। ब्रिज भी यहाँ पर है, हर एक देख रहा है कि डोजर्स जेसीबी लगे हुए, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर काम के लिए नहीं आता है वहां, मतलब देखता नहीं है ये हो क्या रहा है। अगर देखेंगे हर एक अवकाफ कमेटी की हमारे पास कंप्लेंट्स है कि इलीगल माइनिंग को बंद किया जाए, हमें फ्लड प्रोटेक्शन बांट दिया जाए, लेकिन कहीं नहीं दिया जाए। ये आरटीआईएस 2014 से मैं करता हूं डिपार्टमेंट्स को, पूरी फाइल बनी है, लेकिन नाकारा के नाकारा है। आज मैंने डिसाइड किया है ये चूड़ियां, क्योंकि मैक्सिमम औरतें चूड़ियां क्यों पहनती है, क्योंकि लाज रखने के लिए और घर से बाहर नहीं निकलती है। आज मैं ये डीसी साहब को भेज रहा हूं ये चूड़ियां, ताकि उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, ये इलीगल माइनिंग के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस दे दिए, इवन हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, कंप्लीट स्टे ऑर्डर है, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि मुझे ही उल्टा एफआईआर डालेंगे, बंद करवाएंगे, ये हमारे इन पोल खोलता है, इसलिए इसको बंद रखो। आज ये चूड़ियां डीसी साहब आप पहनिए, क्योंकि आप काम के लायक नहीं है। मैं नहीं कहता हूं आप रिश्वत लेते हैं, लेकिन जो कुर्सी को अपने पावर्स को लीगल वे में यूज नहीं करेंगे, उनके लिए ये चूड़ियां, ये मैं भेज रहा हूं जितने भी तहसीलदार है, जितने भी इस एरिया में तहसीलदार हैं उनके लिए ये चूड़ियां, ये जियोलॉजी एंड माइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नाम चूड़ियां भेज रहा हूं, ये फिशरीज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नाम, क्योंकि मुझे इतला मिली है कि फिशरीज का ऑफिसर सीधे इनसे पैसा लेता है, ये फ्लड प्रोटेक्शन के लिए और ये अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के लिए। ये चूड़ियां मैं पोस्ट भी करूंगा इनको, ताकि ये पहने, क्योंकि इनको लोगों का दर्द नहीं दिखाई देता है, ये अपने पावर का मिसयूज करते हैं। अगर मेरे पीछे देखेंगे, ये देखिए कितने जेसीबीज लगे हैं, कितने डोजर्स लगे हैं, इन्होंने इस बेल्ट के बहुत सारे यूथ को अनएम्प्लॉयड किया, क्योंकि वो हाथ से मैन्युअली काम करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं, और इवन फ्लड प्रोटेक्शन बंड को भी अब कुचला जाता है, जेसीबी लगाए जाते हैं, उसको भी लेके देख के खत्म किया जाता है। पीछे मेरे देखिए ये बायोडाइवर्सिटी है, ये अभी थोड़ा फ्लड आ गया, आप देखिए कितने पेड़ उखड़ गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टस से मस नहीं होती है। हम भी रिक्वेस्ट है, अगर ये टस से मस नहीं हुए तो मैं इनके घर को घेराव करूंगा, लोगों को लेके इनके घरों में बैठूंगा, धरना वही करूंगा, अगर इनने एज सुन एज पॉसिबल
एज सुन एज पॉसिबल एक्शन नहीं ली। बाकी थैंक यू।